कक्षा आ गया उबिश नमक का दरोगा लेकर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने नमक का दरोगा कहानी लिखकर मानव मूल्यों में आस्था जगाई। उन्होंने सत्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और धर्म निष्ठा को सम्मानित किया। कहानी के शब्दार्थ इस प्रकार है, ईश्वर प्रदत्त ईश्वर के द्वारा दिया हुआ निषेध रोक। कंधाधीन बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही, प्राबल्य अधिकता, आविष्कार खोज, दुर्दशा बुरी दशा, अहदा पद। पाठ्य सार को बताने के लिए पहला शीर्षक है नया विभाग और दरोगा पद का महत्व। जब नमक बनाने पर रोक लगी तब एक सरकार ने एक नया विभाग नमक विभाग बनाया, उसमें दरोगा पद को बड़ा महत्व दिया जाने लगा। बड़े बड़े वकील भी दरोगा पद के लिए नालायक रहते थे। उस समय फारसी में एक दो प्रेम कथाओं को कहने वाले को अफसरी मिल जाती थी, इसलिए बंशीधर ने भी सीरी फरहाद, लैला मजनू आदि के प्रेम प्रसंगों को पढ़कर नौकरी ढूंढने का प्रयत्न किया। पिता ने हिदायत दी, नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपरी आय हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्ण मासिक का चांद होती है जो घटते घटते लुप्त हो जाती है, परंतु ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत होती है जिससे प्यास बुझती है। वंशीधर ने हिदायत सुनी और नौकरी के लिए निकल पड़े। सौभाग्य से उन्हें दरोगा पद की प्राप्ति हो गई। तब उनके स्वजनों में हर्ष की लहर दौड़ गई, परंतु उनके पड़ोसियों को के हृदय में शून उठने लगे। दूसरा शीर्षक है वंशीधर की कर्तव्य निष्ठा। रात्रि का समय था, वंशीधर को पुल पर यमुना पुल पर आए हुए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचरण से अपने अधिकारियों का मन मोह लिया था। अचानक गाड़ियों की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। बाहर आकर देखा तो पुल पर से लंबी कतार में गाड़ियां उतर रही थी। चीख कर पूछा, किसकी गाड़ी है? एकदम सन्नाटा छा गया, परंतु दूसरे ही पल पता चला कि सेठ आलोपी दीन की दाता गंगे वाले। नाम सुनकर चौंक गए, क्योंकि उस इलाके के वो प्रतिष्ठित व्यापारी थे। धन्यवाद।